नमस्कार, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी प्लस में। मैं हूं दीपक यादव। आज बात करते हैं स्पेशल इकोनॉमी जोन की। स्पेशल इकोनॉमी जोन में नए संशोधन ने रियल एस्टेट डेवलपर्स को बड़ी राहत दी है। दरअसल मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने SEZ नियम 2006 में बदलाव किया है। नए नियम के मुताबिक SEZ के एक हिस्से को नॉन प्रोसेसिंग एरिया घोषित किया जा सकता है। इससे कुछ हिस्सा या फ्लोर लीज किया जा सकेगा। इसे कमर्शियल स्पेस और ऑफिस ओनर्स के लिए ऑक्यूपेंसी बढ़ाने के मकसद से शानदार माना जा रहा है। कॉमर्स मिनिस्ट्री के इस निर्णय से डेवलपर अब SEZ में अपनी खाली पड़ी जगह का IT और ITES के अलावा दूसरे कामों के लिए भी इस्तेमाल कर सकेंगे, मगर इसके लिए उन्हें कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी और बोर्ड से मंजूरी भी लेनी होगी। जाहिर तौर पर इसमें डेवलपर्स को तमाम तरह की रियायत भी मिलेगी। तो इस कदम का ऑफिस सेगमेंट पर क्या असर पड़ेगा, डेवलपर्स के लिए कितना राहत भरा होगा और भी पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं अंशुल जैन, MD कुशमैन एंड वेकफील्ड, और हमारे साथ हैं गुलाम जिया, ED नाइट फ्रैंक इंडिया। बहुत स्वागत करेंगे अंशुल सर और गुलाम सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले अंशुल सर आपके पास आएंगे, आपसे समझना चाहेंगे कि लंबे समय से डेवलपर इसका इंतजार कर रहे थे, SEZ में खाली पड़े स्पेस का अब ज्यादा बेहतर इस्तेमाल हो पाएगा, कैसे देख रहे हैं सर आप इसको? देखिए, इंडिया में इस वक्त SEZ जो टोटल स्टॉक है वो 187 मिलियन स्क्वायर फुट का है, और चूंकि सरकार ने सनसेट क्लॉज जो डायरेक्ट टैक्स पे था, यानी कि इनकम टैक्स फॉर कंपनीज की जो रियायत होती थी SEZ पे, वो इन्होंने 2020 में खत्म कर दी। तो जब ये रियायत खत्म हुई तो कंपनीज को कोई फायदा, खास फायदा नहीं था। इनडायरेक्ट टैक्स का बेनिफिट चलता रहा, लेकिन उस वक्त कंपनीज को इतना खास फायदा नहीं था कि जाकर के वो SEZ में अपनी ऑफिस की स्थापना कर रहे हैं या अपनी जो एक्सपोर्ट के लिए अपने ऑफिस की स्थापना करें, क्योंकि बेनिफिट्स कम हो गए थे। तो उसकी वजह से ये हुआ कि जो 187 मिलियन स्क्वायर फुट की बनी बनाई जगह अभी है इस देश में, उसमें वैकेंसी आने लगी, क्योंकि कंपनीज ने कहा हम SEZ में नहीं जाएंगे, हम नॉर्मल बिल्डिंग में जाकर के वहां से भी काम कर लेंगे। तो उस वजह से करीब 45-50 मिलियन स्क्वायर फुट जो इस वक्त 40-45 मिलियन स्क्वायर फुट इस वक्त SEZ स्पेस खाली पड़ा हुआ है। तो इस नए मूव से गवर्नमेंट के ये है कि अब अगर वो 40-45 मिलियन स्क्वायर फुट में 25-30 मिलियन स्क्वायर फुट हम डीनोटिफाई कर सकते हैं और फ्लोर बाय फ्लोर, और उसके अंदर अगर नॉर्मल कंपनी जो इंडिया के लिए काम करना चाहती हैं वो वहां पे आ सकती हैं बिना लंबे पेपर वर्क के एक्सेट्रा, तो वो जो जगह है उसका सही रूप में इस्तेमाल हो सकता है, उस पर रेंटल इनकम आ सकती है, जो डेवलपर्स और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस का जो निवेश है उन बिल्डिंग्स में उस पर वो रिटर्न आ सकता है। तो ये जो है ओवरऑल इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल है, और वेस्टेज, इससे जो SEZ की वेस्टेज हो रही थी स्पेस जी, वो रुक जाएगी। एक तरह से डबल फायदा होगा। एक तो 187 मिलियन वर्क फीट की जो स्पेस है जो अभी तक वेकेंट पड़ी हुई थी, उसको उससे एक मार्केट में अच्छी सप्लाई आएगी। जाहिर तौर पर इसके कई फायदे होंगे, उनको भी समझने की कोशिश करेंगे। गुलाम सर, अभी देश भर में SEZ की क्या स्थिति है, मोटा मोटे तौर पर अभी अंशुल सर ने बताया, और भी मैं आगे जानना चाहूँगा, क्योंकि 4-5 राज्यों को अगर हम छोड़ दें तो देश में SEZ की बहुत ज़्यादा अधिकता नहीं दिखती है। इस नए नियम के बाद ऑफिस स्पेस सप्लाई में किस तरह का उछाल दिखेगा, क्योंकि अगर हम देखें तो जाहिर तौर पर महाराष्ट्र में, या आप कह सकते हैं कि आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में ही ज़्यादातर SEZ हैं, लेकिन तमाम राज्यों में नहीं है। तो सबसे पहली बात तो हमें SEZ को ही बढ़ाने की ज़रूरत है। जो मौजूदा SEZ हैं उसमें ही बहुत ज़्यादा स्पेस खाली पड़ी है, तो ओवरऑल इस सिनेरियो को देखते कैसे हैं आप? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आपने SEZ पर के नए SEZ की तामीर का जो आपने प्रश्न उठाया है कि क्या उससे सप्लाई पर कोई फर्क पड़ेगा, तो मैं आपसे कह दूँ कि जैसा अंशुल जी ने बताया है कि 2020 के बाद हमें नए SEZ तो दोबारा बन ही नहीं रहे हैं, कि काफ़ी अरसे पहले SEZ का बनना की तामीर कम हो चुकी है, बल्कि ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि जो सनसेट क्लॉज ऑलरेडी आ चुका है जिसके तई ऑक्यूपायर्स को कोई खास इनकम टैक्स बेनिफिट्स नहीं मिल रहे थे, इनफैक्ट खत्म हो चुके थे। तो इस वजह से नया SEZ स्पेस तो नहीं आ रहा, और जो हम ऑक्यूपेंसी की बात कर रहे हैं, अवेलेबिलिटी की बात कर रहे हैं, और मैं भी इस बारे में जैन साहब से मुत्तफिक हूँ कि ये जो वेकेंसी है ओवरऑल SEZ में वो तकरीबन 12-15% के आसपास आंकी जा रही है। तो ये सारी ओवरऑल सप्लाई का आधे से ज्यादा तो खाली नहीं पड़ा है, एक काफी हिस्सा खाली है,
लेकिन इसका डायरेक्ट कंपटीशन जो नई तामीर हो रही है, नए ऑफिस ब्लॉक्स बन रहे हैं, उस पर कोई खास फर्क मुझे दिखाई नहीं दे रहा। क्योंकि दूसरी ओर एक और चीज जो हुई है, कोविड के दरमियान हमने ये देखा था कि ऑफिस के ऑक्यूपेंसीज बहुत गिरी थी, और उसके बाद तकरीबन साल दो साल तक ऑफिस स्पेस पर काफी चिंताजनक वातावरण रहा, वो अब तब्दील हुआ है। पिछले साल दो साल में, अगर मैं इस साल इस समय की बात करूं, हम जब दिसंबर के करीब ये साल मुकम्मल करेंगे, तो बहुत उम्मीद है कि जो हमारा पिछला तारीखी तौर पर हमने सबसे ज्यादा ऑफिस स्पेस अब्सॉर्प्शन कोविड से पहले वाले साल में देखा था, 60 मिलियन स्क्वायर फीट के आसपास साल में ऑफिस अब्सॉर्प्शन हुआ था, इस बार हमें इस जो आंकड़े अब तक आ रहे हैं सामने, उनके हिसाब से ये साल शायद हम उस नंबर के बहुत करीब पहुंच जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ओवरऑल डिमांड, चाहे ग्लोबली दुनिया में, चाहे वॉर्स की बात कर लें या दूसरे सारी सियासी प्रॉब्लम्स की बात कर लें, उसके बावजूद भारतवर्ष में ओवरऑल इकोनॉमी अच्छी चलने के कारण ऑफिस का डिमांड बहुत बढ़ रहा है। और ये चीज, ये जिस स्पेस की हम बात कर रहे हैं, अगर तकरीबन 15-20 मिलियन स्क्वायर फीट धीरे धीरे आएगा, क्योंकि जैसा जैन साहब ने अभी बताया कि ये तुरंत नहीं आएगा, आपने भी कहा इस बात पर कि बोर्ड को अप्लाई होगा, जो एक फ्लोर एक एक फ्लोर करके बनेगा, इसे समय लगेगा। तो धीमे धीमे जब मार्केट में ये सप्लाई आएगी, तो उसी के साथ साथ डिमांड भी हमारा बढ़ रहा है, तो मुझे तो ये कोई ओवर सप्लाई की चिंता बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही। ठीक, इसी पे गुलाम सर एक और सवाल मेरा होगा कि क्या इसे कॉम्प्रहेंसिव चेंज कहेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ऑफिस स्पेस ऑक्यूपेंसी को लेकर सफर कर रहा है, बहुत ज्यादा ऑक्यूपेंसी नहीं है, सप्लाई ठीक ठाक है लेकिन ऑक्यूपेंसी नहीं पूरी हो पा रही है, तो ऐसे में नई सप्लाई और ज्यादा आ जाना, इसको कैसे देख रहे हैं आप? जैसा मैं आपसे वही आंकड़ों के बारे में ही बता रहा था कि बहुत ज्यादा वैकेंसी नहीं है, और ये जो हमारा तकरीबन आज की तारीख में हम 800 से 850 मिलियन स्क्वायर फीट ऑफिस स्पेस हमारे ये चार शहरों सात शहरों में है, तो उसके सामने अगर हम 150 मिलियन ओवरऑल एसईजेड की बात कर लें, और उसके 15% पर या 20% के भी वैकेंसी की बात कर लें, 40 मिलियन की बात करें, जो अगले 3 से 4 साल में ऑफिस के लिए तैयार होगा, नॉन एसईजेड के लिए तैयार होगा, तो ओवरऑल ये जो हमारा तकरीबन 50 से 60 मिलियन सालाना का जो अब्सॉर्प्शन की दर चल रहा है, इसके सामने ये सप्लाई कोई ज्यादा चिंताजनक नहीं है। वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये बहुत ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये बेहतर है ओवरऑल इकोनॉमी के लिए कि अगर ये स्पेस जो खाली पड़ी हुई है वो भी आ जाए, और जो उसके अलावा नए बन रहे हैं वो अगर बैलेंस बनता है, जो कि मुझे बनता हुआ दिख रहा है, तो बहुत ज्यादा चिंता की कोई बात नहीं है। ठीक है, अंशुल सर, क्या डीनोटिफिकेशन मेन पेन पॉइंट था, या फिर एक्सपोर्ट इंसेंटिव और टैक्स इंसेंटिव ज्यादा बड़ा पेन पॉइंट है? देखिए, अगर एक्सपोर्ट इंसेंटिव देखें तो मेरे हिसाब से कंट्री को और ऐसे जोन्स हमेशा चाहिए होते हैं जिसमें आप कोई ना कोई व्यवसाय को आप प्रमोट करें। नाउ इस वक्त ये तो सरकार के पास आंकड़े हैं कि आईटी और आईटीएस में और आपको सपोर्ट चाहिए कि नहीं चाहिए। मेरे हिसाब से ये इंडस्ट्री अब मैच्योर हो चुकी है, तो अगर आप कंपनियों से पूछें तो उनको हमेशा ये चाहिए कि और आप सपोर्ट दें। लेकिन इन एस्टैब्लिश एरियाज, जो कि जैसे आपको 6-7 जो मेन शहर हैं उसके अंदर, मेरे हिसाब से आईटी आईटीएस बिजनेस के लिए और सरकारी सपोर्ट की या टैक्स इंसेंटिव की जरूरत नहीं है। अगर आप कोई नया एरिया बना रहे हैं या नया लोकेशन में आप व्यवसाय लाना चाह रहे हैं तो वहाँ इंसेंटिव की जरूरत होती है। एज फार एज जो डी नोटिफिकेशन है, ये बहुत बड़ा पेन पॉइंट था, क्योंकि जिस 7 शहरों की हम बात कर रहे हैं उसके अंदर ये एसईजेड बने हुए थे। अब वो एसईजेड बने हुए हैं और अगर कंपनीज उसमें जाना नहीं चाह रही हैं तो वो एक नेशनल वेस्टेज है, वो एक एसेट बना हुआ है जो कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा है। तो इस हिसाब से डी नोटिफिकेशन एक बहुत बड़ा पेन पॉइंट था, और ये पेन पॉइंट सरकार ने हटा के ये बहुत ही अच्छी मूव हुई है, और ये रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए और उससे एसोसिएटेड व्यवसाय के लिए ये काफी बेहतरीन मूव है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर हम देखेंगे कि एक बड़ी सप्लाई आती हुई दिखेगी आने वाले कुछ सालों में। तो गुलाम सर, सप्लाई बढ़ेगी तो जाहिर तौर पर जो पर स्क्वायर फीट कॉस्ट है वो भी घटेगी, तो ओवरऑल इम्पैक्ट क्या पड़ता हुआ देख रहे हैं आप कॉस्ट पर? क्योंकि हम देखते हैं जब इंटरनेशनल कंपनियां भारत में आती हैं तो वो $1
के अंदर ही देखती हैं कि हमारा एटलीस्ट जो भी रेंट है वो $1 के अंदर हो। इसी को देखते हुए नए नए हमने देखा एरिए विकसित हुए हैं, नवी मुंबई विकसित हुआ और गुड़गांव के NCR के भी तमाम एरिए विकसित हुए हैं। तो अब जब ये नई सप्लाई आएगी तो जो पुराने रेट हैं क्या वो टूटेंगे, नए एरिया डेवलप होंगे या फिर पुराने रेट टूटेंगे? सबसे पहले तो ये देख लें कि फिलवक्त पिछले 2-3 साल के दरमियान जो रेंट है, ऑफिस स्पेस का रेंट है, वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जो कोविड के तुरंत बाद गिरने के आसार थे वो शायद 1.5 साल के बाद वो बैलेंस हो गया और अब पिछले 1.5-2 साल में ये 5-6% सालाना की दर पर रेंट बढ़ रहे हैं ऑलरेडी। तो ये दूसरी तरफ जो आप डॉलर की बात कर रहे हैं, इस पर भी गौर करना जरूरी है कि डॉलर इंडियन रुपीज भी गिरता चला जा रहा है। तो आज अगर हम 80-85 के करीब आ गए हैं पर डॉलर, तो ऑटोमेटिकली वो उतना अमाउंट बढ़ रहा है और इसके कारण रियल एस्टेट, ऑफिस रियल एस्टेट का जो भाव है उस पर मुझे ज्यादा अब भी फर्क पड़ता नहीं दिख रहा। लेकिन आपका जो सवाल कि ज्यादा सप्लाई आने के कारण क्या रेट कम होंगे या गिरेंगे, देखिए रेट के साथ साथ मुझे एक और चीज जो है वो डिमांड का भी गौर करना है। और हमारा जो इंडिया फेसिंग बिजनेस का GCC वगैरह का जो डिमांड है वो इतना बढ़ रहा है पिछले चंद सालों में लगातार, जो हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, जो मेक इन इंडिया की बात हो रही है, उसके कारण से हमारे जॉब्स इंडिया में बढ़ रहे हैं और उसका डायरेक्ट फायदा जो है वो ऑफिस स्पेस को हो रहा है। तो इस तरह जो डिमांड का इंक्रीज, डिमांड की बढ़ोतरी जो है उसके सामने सप्लाई का बढ़ते चले जाना जरूरी है। अगर वो ना हो तब ये प्राइस ऊपर उठते हुए दिखेंगे। तो अगर आपका प्रश्न ये है कि दाम गिरेंगे, मेरे हिसाब से दाम या तो स्टेबल रहेंगे या आगे चल के अगर डिमांड ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है सप्लाई के हिसाब से जो कि मैं देख रहा हूं, तो शायद धीमे धीमे ये ऑफिस रेंट बढ़ भी सकते हैं। ठीक बात है अंशुल सर, जाहिर तौर पर नई सप्लाई आएगी आएगी और लोग जो डेवलपर हैं उनका भी इंटरेस्ट इस तरफ जाएगा जाएगा, लेकिन डेवलपर्स को SEZ में ये नया कंस्ट्रक्शन करने के लिए क्या कुछ रियायतें और कुछ टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते दिख रहे हैं इस पर? नहीं सर, बात यह है कि SEZ अब और बनाने की जरूरत ही नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, अगर आप 60 शहरों की बात कर रहे हैं, इसके पहले वाले सवाल में कहा कि मेरे हिसाब से और टैक्स इंसेंटिव की जरूरत नहीं है क्योंकि ये इंडस्ट्री मैच्योर हो गई है इन लोकेशंस इन द टॉप 7 सिटीज। अगर तो SEZ बनाना है और गवर्नमेंट को इंसेंटिव देना है तो वो उसी एरियाज में देंगे जहां इस वक्त लोग जाना नहीं चाहते, जहां नया एरिया और नई लोकेशंस में प्रमोट करना है अगर एम्प्लॉयमेंट, तो वहां पे चाहे शायद सरकार अगर इंसेंटिव देना चाहती तो दे दे, और अगर इंसेंटिव आएगा तभी डेवलपर जाके और SEZ बनाएंगे, नहीं तो SEZ अब बनाने की कोई जरूरत नहीं है। जो डेवलपर्स हैं वो कमर्शियल, नॉर्मल कमर्शियल ऑफिस बिल्डिंग्स बनाएं, जो IT बिल्डिंग्स हम कहते हैं या कमर्शियल ऑफिस बिल्डिंग्स कहते हैं। क्योंकि जो आपने एक मेंशन किया कि $1 का रेंटल जो विदेशी कंपनीज चाहती हैं, वो पैराडाइम जो था वो बहुत सालों से चला आ रहा था, और जब हम ट्रेंड अब ये देख रहे हैं कि कंपनीज जो हैं वो $1 से ज्यादा देने, 80 रुपए से ज्यादा देने में भी हेसिटेट नहीं करती हैं, अगर क्वालिटी ऑफ स्पेस अच्छी हो। उसका दो कारण है, क्योंकि 10 या 15 साल पहले जिस तरीके का काम इंडिया में होता था, आज जिस तरीके का काम इंडिया में होता है फॉर ओवरसीज कंपनीज या ओवरसीज मार्केट्स, वो बहुत ज्यादा हाई एंड और वैल्यू एडेड काम होता है। तो उसमें स्किल सेट बहुत बेहतरीन है, और उस स्किल सेट को, उस एम्प्लॉयमेंट को ये चाहिए कि बिल्डिंग्स अच्छी हों। कोविड के बाद यू नो एयर क्वालिटी और हाउ डू यू उसमें साफ सफाई अच्छी हो, प्रीमियम क्वालिटी हो, अच्छा रिटेल हो, और कार्बन न्यूट्रलिटी हो। ESG की आजकल COP28 चल रहा है, ESG की बातें बहुत हो रही हैं, और ये कंपनीज चाह रही हैं कि जो बिल्डिंग्स हैं वो कार्बन न्यूट्रल हो। तो अगर जो आप नई बिल्डिंग्स बन रही हैं और वो उन सब में अगर ये विशेषताएं हैं, तो कंपनीज जो हैं वो $1 पे सीमित नहीं है, वो रेंट देना चाहती हैं और अच्छा रेंट देना चाहती हैं। और बहुत सारी डीलें ऐसे हो रही हैं जहां पे अच्छी अच्छी डील्स हो रही हैं। लेकिन हाँ, अगर पुराना स्पेस आपके पास पड़ा हो जो कि कार्बन न्यूट्रलिटी के हिसाब से ठीक नहीं हो, जो आजकल हेल्थ एंड वेलनेस के हिसाब से बिल्डिंग ठीक नहीं है या लोकेशन ठीक नहीं है, वो बिल्डिंग्स जो हैं, चाहे वो SEZ कन्वर्ट कर लीजिए उसको, चाहे वो एग्जिस्टिंग कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं, उनमें जो है ऑक्यूपेंसी हमेशा एक प्रॉब्लमेटिक रहेगी। सो ये जो मार्केट अब इससे जो आगे हम जा रहे हैं वो 2-स्पीड मार्केट रहेगी। अच्छी बिल्डिंग्स हो, चाहे वो SEZ कन्वर्जन हो या या कमर्शियल बिल्डिंग हो, वो अच्छा करेगी, उसका रेंट बढ़ता चला जाएगा, उसकी डिमांड बढ़ती चली जाएगी।
और जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं जिसमें अपग्रेड नहीं हुआ है, अगेन चाहे वो एसईजेड कन्वर्जन हो या नॉर्मल बिल्डिंग हो, उसमें डिमांड जो है वो म्यूटेड रहेगी। बिल्कुल, यानी इस चर्चा को जैसे कि हम देख रहे हैं कि एसईजेड में काफ़ी कुछ रिक्वायरमेंट है, 187 मिलियन वर्क फीट सप्लाई है ऑलरेडी एसईजेड में, और ये जो पूरा स्पेस है इस नए नियम के बाद अच्छे से इस्तेमाल हो पाएगा, तो वो जो रिक्वायरमेंट है, वो जो ज़रूरत है सप्लाई की, वो पूरी होगी, और उसको पूरी करने के लिए ए ग्रेड ऑफिस की जो ज़रूरत है वो भी पूरी होगी, तो ज़ाहिर तौर पर एसईजेड में एक नई सप्लाई आएगी और उसका पूरे मार्केट में अच्छे से इस्तेमाल होगा। इसी को और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और बारीकी से समझेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस, और आज प्रॉपर्टी प्लस में हम बात कर रहे हैं स्पेशल इकोनॉमी जोन की। नया नोटिफिकेशन आया है, नया नियम आया है, उस नए नियम के बाद स्पेशल इकोनॉमी जोन में जो स्पेस खाली पड़ी रहती थी, जिसका उपयोग नहीं हो पा रहा था, अब हो पाएगा। कैसे हो पा रहा है और उससे क्या उम्मीदें, क्या कुछ संभावनाएं दिख रही हैं मार्केट में, इन्हीं पर चर्चा हमारे साथ जारी है, और हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इसमें सर एक और सवाल मेरा ये होगा अंशुल सर आपसे ही, कि किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़, किन सेक्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर बढ़ती हुई दिखेंगी, और रोज़गार के जो मौके होंगे, जॉब्स जो होंगी, उसके क्रिएशन में आप इसका कितना बड़ा योगदान देख रहे हैं? देखिए, जो अब हमने ट्रेंड देखा है, अभी गुलाम जी ने भी बताया, जो ग्लोबल कंपनीज जो है ना, अपना कैपेबिलिटी सेंटर्स यानी कि अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट या अपनी हाई एंड मार्केटिंग टाइप की कंपनीज, वो अब इंडिया में खोल रही हैं। इसको हम ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स कह रहे हैं। तो दुनिया की जितनी भी उनको ज़रूरत है, चाहे वो फाइनेंस में, चाहे एचआर में, चाहे मार्केटिंग में, चाहे रिसर्च डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, वो अपना ही यहाँ पे खोल रही हैं। तो उसमें आई थिंक डिमांड काफ़ी रहेगी। सेक्टर्स की आपने जहाँ तक बात की, मैंने कहा ये सेक्टर्स तो अक्रॉस द बोर्ड रहेंगे, लेकिन जो इस वक्त ट्रेंड है हमने देखा है, ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी, गाड़ियों से जुड़ी हुई टेक्नोलॉजी काफ़ी तेज बढ़ रही है। फार्मा एंड हेल्थ केयर रिलेटेड टेक्नोलॉजी काफ़ी तेज बढ़ रही है। बैंकिंग और फाइनेंस का जो ये परिवर्तन हो रहा है, सारा डिजिटलाइजेशन हो रहा है, उससे रिलेटेड काम जो है इस देश में काफ़ी बढ़ रहा है। मैन्युफैक्चरिंग, मेक इन इंडिया से रिलेटेड जो अब यहाँ पे काम हो रहा है, उसके रिलेटेड भी काफी R&D अब इंडिया में आ रही है जी। तो इन अ नटशेल जो है अक्रॉस द बोर्ड बढ़ेगा। ये 4-5 सेक्टर अभी तेज हैं, और हो सकता है मैंने 1-2 सेक्टर शायद मिस भी कर दिया हो, लेकिन अगर हम देखें हमारी GDP पिछले क्वार्टर 7.6% बढ़ी है, उसमें बहुत सेक्टरों का योगदान है, और डोमेस्टिक कंजम्पशन, डोमेस्टिक इकोनॉमी का भी बहुत बड़ा योगदान। आगे भी उम्मीद काफ़ी अच्छी है, 7% पर GDP ग्रोथ रेट बरकरार है। गुलाम सर, एक अंतिम सवाल आपसे लेंगे कि अगर हम ग्लोबली सक्सेसफुल SEZ से खुद को कंपेयर करने की कोशिश करें, तो हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं? देखिए, पहली चीज तो SEZs का जो पूरा कॉन्सेप्ट बना था, वो केवल जैसा अब तक की बात हो रही है उसमें आया है कि ग्रोथ के लिए, ओवरऑल ग्रोथ के लिए, इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए SEZ एज ए स्पेशल कॉन्सेप्ट बनाया गया था। और इसके अगर आप देखें, इंडिया के सामने चंद एक कंट्रीज हैं जैसे फिलीपींस वगैरह या वियतनाम, जो पिछले चंद सालों में इंडिया क्या का बिजनेस थोड़ा वहां जाते हुए दिखाई दिया, क्योंकि हमारे, जैसा जैन साहब भी बता रहे थे, कि हमारे जो जॉब्स हैं वो काफी हाई एंड होते चले जा रहे हैं पिछले चंद सालों में। आज से 20 साल पहले शायद सिर्फ कॉल सेंटर्स वगैरह पर फोकस रहा होगा, BPO पर होगा, आज हम हाई एंड रिसर्च और डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये जो हमारा कॉम्पिटिशन, अगर आप उसकी ग्लोबल कॉम्पिटिशन की बात कर रहे हैं, तो चंद एक कंट्रीज हैं, फिलीपींस या वियतनाम जैसी, जहां पर वो जो लो एंड वाला काम जो आज से 15 साल पहले भारत में हुआ करता था, अब वहां जाता हुआ दिख रहा है, चाहे वो फिलीपींस हो वगैरह। लेकिन उसके बावजूद हमारा जो ओवरऑल ऑफिस स्पेस है या हमारी जो जॉब क्रिएशन है वो अब काफी हाई एंड है, और उसी वजह से जो नए ऑफिसेज हैं उनका जो निर्माण हो रहा है वो काफी टेक्नोलॉजी के हिसाब से काफी बेहतरीन इमारतें बन रही हैं। जैसा हेल्थ और वेलनेस की बात हो रही है, इन सारी चीजों पर फोकस है। तो ये बहुत बड़ा शिफ्ट पिछले 5-1 साल में देखा गया है, खास तौर से कोविड की इस तरफ देखा गया है। तो हमारा कंपटीशन, मैं समझता हूँ कि हमारा कंपटीशन हमारे साथ ही है। हम बेहतरीन बिल्डिंगें अब बना रहे हैं, और चूंकि हमारे बिल्डिंग के ऑक्यूपायर्स बहुत हाई एंड होते चले जा रहे हैं, तो उस डिमांड का ग्लोबली कोई और सानी नहीं है।
ठीक बात है, पूरी दुनिया में जिस तरह से भारत की साख बढ़ रही है, हम देख रहे हैं कि जो भी टॉप कंपनियां हैं पूरी दुनिया की, वो भारत पर नज़र बनाए हुए हैं, चाहे एप्पल की बात हो और भी तमाम कंपनियां हो जो प्रोडक्शन के लिहाज से, मैन्युफैक्चरिंग के लिहाज से काफ़ी तेज़ी से भारत की ओर फोकस कर रही हैं। ज़ाहिर तौर पर उसमें भारत की इकॉनमी बढ़ती हुई दिख ही रही है और इसी क्रम में ये इस तरह के जो फैसले आते हैं, चाहे SEZ को हम देखें कि जो उनके अलग स्पेसेस हैं जो अभी तक इस्तेमाल नहीं हो पा रहे थे, सप्लाई आएगी, स्पेस इस्तेमाल होगी, ए ग्रेड ऑफिसेज बनेंगे, जाहिर तौर पर इसका भविष्य में ज़रूरत तो पड़ेगी। एक अच्छा कदम है और जाहिर तौर पर एक बड़ा मूव है कमर्शियल रियल एस्टेट के लिहाज से, डेवलपर के लिहाज से। तो फिलहाल इस चर्चा को बहुत बढ़ाया जा सकता है लेकिन समय हमारे पास काफ़ी कम है, तो बहुत शुक्रिया करेंगे आपका अंशुल सर और गुलाम सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभी देश भर में जैसा कि हमने देखा कि 187 मिलियन वर्क फीट स्पेस है जो SEZ में खाली पड़ी हुई है, जिसका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा था लेकिन अब उसका इस्तेमाल हो पाएगा। एक अच्छा मूव है रियल एस्टेट के लिहाज से, एक अच्छा मूव है डेवलपर्स के लिहाज से। जाहिर तौर पर स्पेस आएगी तो ए ग्रेड स्पेस बनेगी जिसकी अब भारत में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत बनती हुई दिख रही है। तो इसी के साथ इस शो में फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए जी बिजनेस के साथ।